हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ट्विंस प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं और कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि इस महीने में जो है बेबी का कितना विकास हो जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं। आपको जो है पांचवें महीने में आपका जो पेट है वो बहुत ज्यादा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पांचवें महीने में गर्भाशय जो है काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, तो आपका जो पेट है वो दूर से ही काफी ज्यादा बड़ा नजर आने लगेगा। इस महीने में आपके पैरों में सूजन वगैरह भी आ सकती है। इस महीने से आपके बाल वगैरह भी जो है झड़ना बंद हो जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि आपके बाल काले और लंबे होने लगे। जैसे गर्भाशय बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पेट में जो है खाल खींचने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स भी पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और ट्वींस प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। इस महीने में आपके जो है ब्रेस्टों में भी काफी ज्यादा परिवर्तन आने लगे, आपके जो ब्रेस्ट है वो काफी ज्यादा बड़े होने लगेंगे, उनमें जो है भारीपन भी रहने लगेगा, जिसकी वजह से वो नीचे की ओर थोड़ा लटकना भी स्टार्ट कर देंगे। अब हम बात करेंगे कि इस महीने में कौन कौन से लक्षण हमको दिखाई पड़ेंगे। आपको इस महीने में गैस और कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है, और जिसकी वजह से आपके सर में भी दर्द रह सकता है। आपके इस महीने कमर दर्द काफी ज्यादा रहना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जैसे जैसे बेबी बम बढ़ता है तो उसका जो पूरा प्रेशर होता है वो हमारी पीठ पे आता है, जिसकी वजह से हमारी जो है कमर में भी दर्द रहता है, आपके पैरों में भी सूजन आ जाएगी। तो आपको इस महीने से जो है बहुत ज्यादा खड़े होकर काम नहीं करना है, ताकि पैरों में ज्यादा सूजन ना आए। कि आपको चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं इस महीने से, क्योंकि जैसे जैसे हमारा बेबी का वेट बढ़ता है, बेबी बढ़ता है, तो हमारे शरीर में जो है न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। आपको इस महीने से कभी कभी आपके जो है हाथ वगैरह भी बहुत ज्यादा गर्म रह सकते हैं, तो इसका रीजन होता है कि इस समय हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत ही तेजी से होता है, जिस वजह से हमारे हाथ वगैरह कभी कभी बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी गर्मी में है तो आपको इस महीने से बहुत ज्यादा गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होने की वजह से हमारा बॉडी का भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, ऊपर से गर्मी, तो इस वजह से हमको कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है। कभी आपको जो है सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमारा जो है गर्भाशय बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए कभी कभी ये दिक्कत भी हो जाती है। इस महीने से भूख वगैरह बहुत ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पांचवें महीने से हमको महक वगैरह कुछ भी नहीं लगती है, तो हमको भूख थोड़ा ज्यादा ही लगेगी, और आपको जो है तरह तरह का कुछ ना कुछ खाने का मन करे। आपका जो भी मन करे आप उसको जरूर खाएं। आपका पांचवा महीना खत्म होते होते आपको जो है बेबी की हलचल वगैरह भी महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आपकी जो है बेबी की हलचल पांचवें महीने के लास्ट में भी महसूस नहीं होती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको छठवें महीने के स्टार्टिंग में हलचल जरूर महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी, और शुरुआत में बेबी बहुत कम ही हलचल करता है, तो आप जो है थोड़ा अच्छे से जो है समझने की कोशिश करें। इस महीने से आपको बहुत ज्यादा उठने में, बैठने में, चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आप जो है इस महीने से बहुत ज्यादा एक ही अवस्था में ना बैठें, एक ही अवस्था में ना लेटें, और आपको जो है इसी महीने से पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द और भारीपन रहेगा। ये सब बेबी के वेट बढ़ने की वजह से ही होता है, और आपके जो है पैरों में बहुत ज्यादा ऐंठन रह सकती है, घुटनों में दर्द भी बहुत ज्यादा रहना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पांचवें महीने में बेबी का विकास कितना हो जाता है। अगर हम बेबी की लंबाई की बात करें तो पांचवें महीने में हमारे जो बेबी की लंबाई होती है वो लगभग 6 इंच तक हो जाती है, और अगर हम बेबी के वेट की बात करें तो लगभग 226 ग्राम के आसपास बेबी का वेट हो जाता है। जो प्राइवेट पार्ट होता है वो भी विकसित हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बेबी की छाती पे निप्पल भी दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लड सेल्स भी दिखना स्टार्ट हो जाती है। बेबी जो है इसी महीने से सोना भी स्टार्ट कर देता है, और बेबी जो है हलचल भी करना सीख लेता है एमनियोटिक फ्लूड में, और बेबी का जो माइंड डेवलपमेंट होता है वो भी इसी महीने से स्टार्ट हो जाता है। बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाते हैं, बेबी की जो किडनी है वो भी काम करना स्टार्ट कर देती है, बेबी की जो हड्डियां और मांसपेशियां है वो भी विकसित हो जाती है, बेबी के जो है बाल भी आना शुरू हो जाते हैं, बेबी की जीभ में जो है स्वाद का जो प्रोसेस होता है वो भी डेवलपमेंट हो जाता है। अगर आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।